लेके जाऊंगा। वैसे रेलवे ट्रैक की योजना है मेरे दिमाग के अंदर, रेलवे ट्रैक आज नहीं चलना, उसके लिए अपने को थोड़ा सा रुकना है। हमारी दो तीन प्रमुख मांगे हैं। हम ये कह रहे हैं कि एक बार आप गिरफ्तार कराओ उनको, गिरफ्तार करके नार्को टेस्ट करो, और आपको लगे कि मुलजिम झूठे गिरफ्तार हो गए और बच्ची ने सुसाइड किया तो हम आपको 300 के रखने के अंदर कुछ भी नहीं कहेंगे। इसमें पुलिस के पास अधिकार है, वो गिरफ्तारी के बाद छोड़ भी सकती है, छोड़ करके सीआरपीसी में रिहाई दे सकती है। और अगर पुलिस गिरफ्तारी से डरती है और मुख्यमंत्री को ऐसा लगता है कि नागौर के अंदर एमपी मौके पर पहुंच गए, सारे लोग पहुंच गए, या तो कांग्रेस बीजेपी के और आरएलपी के तमाम संगठनों के नेता है और हम सब इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए इकट्ठा हुए, तो हम एक ही मांग करते हैं, इस मामले की जांच सीबीआई को दे दे, हम अपना इस मामले को खत्म कर देंगे। ये मैं राजस्थान की सरकार को कहना चाहता हूँ। यहाँ जो हालात पिछले 15 के अंदर 20 के अंदर घटित हुए, नागौर से आपको पता है किस तरह किसान के बेटों को चुन चुन के हत्या नागौर के अंदर पिछले 15 के अंदर। नागौर की धरती शांत धरती, जहाँ के किसान के बेटों ने हमेशा साथ दी सीमा पर लड़ते हुए, और चाहे अनंतपाल का मामला हो चाहे दूसरे मामले हो, हमारे बच्चों को चुन चुन के शिकार बनाया गया। उस समय में हनुमान बेनीवाल आगे की पंक्ति में खड़ा था, और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि लोकसभा के अंदर भी अगर आवश्यकता पड़ी और मुझे अगर अलग भी कर दिया गया तो मैं आपको न्याय दिलाने के लिए हनुमान बेनीवाल अपनी पूरी ताकत राजस्थान में देश के अंदर लगाएगा। ये मैं भरोसा आपको दिलाता हूँ। वैसे मेरी आईजी एसपी डीजीपी से बात भी हुई, हो सकता है वो कर रहे हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कार्रवाई नहीं करे, लेकिन जब हम हमारी जो डिमांड है उस डिमांड के बारे में अभी तक बात भी नहीं। और कॉलेज ऐसे चल रहा है जैसे रोजमर्रा की तरह कॉलेज चल रहा है, और कॉलेज का जो संचालक है उसके बारे में पूर्व में भी बहुत शिकायतें मिली, उसी के समाज के कई लोगों ने शिकायतें करी, और देखते ही देखते कॉलेज फल फूल गया। हमें उससे नहीं कहना कि वो कैसे आगे बढ़े कैसे नहीं बढ़े, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है वो बीजेपी का बन जाता है, कांग्रेस की सरकार होती है वो कांग्रेस का कार्यकर्ता बन जाता है, आखिर एक आदमी एक जगह तो होगा। और इतना ताकतवर हो गया कि 2 से हजारों लोग यहाँ बैठे हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी बैठे हैं, विपक्ष भी बैठा है, उसके बावजूद उसको थाने पे लाके पूछताछ भी नहीं की गई, उसके भतीजे से पूछताछ नहीं की गई। सीधा सीधा इंगित करता है कि सरकार के अंदर बैठे लोग उसको बचाने का काम करें। इस बात की मैं निंदा करता हूँ, और आपको यही आह्वान करता हूँ कि कल आवश्यकता पड़ी तो आज हम आह्वान करेंगे, कल 20,000 इकट्ठा होंगे और परसों 50,000 इकट्ठा होंगे। जयपुर के सिविल लाइन फाटक को घेरना पड़ा तो गहलोत की आवाज को घेरने के लिए भी आपको तैयारी करनी होगी। नागौर की ये चिंगारी ज्वालामुखी बननी चाहिए। अगर इतनी हिम्मत और ताकत रखते हो तो दोनों हाथ खड़े कर रखते हो कि हम आपके साथ हैं। भैया नीचे बैठ, पीड़ित परिवार को न्याय भी दिलाएगा।